स्ट्रॉबेरी लेग्स, चिकन स्किन, गूस फ्लैश और बम्पी स्किन। आपने इस स्किन कंडीशन के बारे में एटलीस्ट इनमें से किसी एक नाम से सुना ही होगा। फन फैक्ट, ये सब एक्चुअली केराटोसिस पिलारिस है और हम आपको बताएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या होता है और सिल्की स्मूथ स्किन के लिए इनसे कैसे डील करें। केराटोसिस पिलारिस एक बहुत ही कॉमन और टोटली हार्मलेस स्किन कंडीशन है जो ड्राई, रफ, बम्पी, टेक्सचर्ड स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके अपर आर्म्स, चेस्ट, बट एंड लेग्स वाले एरिया पर इवेंचुअली रेड या ब्राउनिश हो सकती है। ये ओकेजनली इची हो सकता है बट नॉट पेनफुल, और ये बहुत से लोगों को होता है, इसीलिए अगर आप उनमें से एक है तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। ये केराटिन बिल्डअप करता है जो एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन और हेयर में नेचुरली होता है। एक्सेस केराटिन दूसरे बैक्टीरियाज और इनग्रोन हेयर्स के साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग करता है, जिससे ये बम्प्स होते हैं। नेचुरली ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए या फिर विंटर्स में ये और भी वर्स हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली केराटोसिस पिलारिस का कोई एक्चुअल क्योर नहीं है, बट अच्छी बात ये है कि कुछ चीजें हैं जो आप बम्प्स को प्रिवेंट और रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। AHAs जैसे ग्लाइकोलिक एसिड मिरेकल इंग्रेडिएंट्स है विच यू नीड टू वर्क देयर मैजिक। ये आपकी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करके बहुत ही जेंटली केराटिन और डेड स्किन सेल्स को क्लियर करता है और अल्टीमेटली आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है। क्रीम या एक्सफोलिएटिंग बॉडी मास्क ट्राई करें, जैसे ग्लैमरस बॉडी स्लश, जो रसूल क्ले, ग्लाइकोलिक एसिड और तुलसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बस मूसी मास्क को वीक में दो बार 10 टू 15 मिनट्स तक अपनी स्किन पर स्वाइप करें एंड लेट इट डू इट्स जॉब ऑफ स्मूदनिंग एवरीथिंग आउट। केमिकल एक्सफोलिएशन के साथ आप लाइट फिजिकल एक्सफोलिएशन कंबाइन करके एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकते हैं, एस्पेशली हेयर रिमूवल से पहले, सो दैट इन ग्रोथ्स विद इन द बम्प्स कैन बी प्रिवेंटेड। एक सॉफ्ट वेट टॉवल या ब्राउन शुगर, हनी और एक ड्रॉप टी ट्री ऑयल से बना जेंटल DIY स्क्रब यूज करें एंड गेट टू वर्क। जस्ट रिमेम्बर, शावर में स्क्रब या रिंस करते टाइम सुपर हॉट वाटर यूज ना करें, बिकॉज ये आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई बनाएगी। शेविंग और वैक्सिंग जैसे हेयर रिमूवल मेथड्स मोस्टली इनग्रोन हेयर्स दे जाते हैं, सो फॉलो अप विद अ सूदिंग पोस्ट हेयर रिमूवल लोशन लाइक ग्लैमरस फज ऑफ, जो इन ग्रोथ्स और डार्क स्पॉट्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है। दैट समटाइम्स गो हैंड इन हैंड विद केराटोसिस पिलारिस। क्योंकि ड्राइनेस से स्किन इश्यूज हो सकते हैं, स्किन को सुपर मॉइस्चराइज, नरिश्ड और सिल्की स्मूथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर ले और शावर के बाद इंस्टेंटली अप्लाई करें टू लॉक इन ऑल द हाइड्रेशन, या नेचुरल वे ऑप्ट करें और सिंपली शेया बटर या कोको बटर अप्लाई करें। ऑल्दो ये रेमेडीज कोई क्योर नहीं है, बट बम्प्स के अपियरेंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इन्हें अपने रूटीन में परमानेंटली इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। लकीली कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन नेचुरली ओवर टाइम क्लियर हो जाती है। वी होप हमने केराटोसिस पिलारिस एग्जैक्टली क्या है और आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं को एफिशिएंटली डीकोड किया है, ताकि आप अपनी स्मूथ स्किन जल्दी अचीव कर सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।